सभी मलिक मुरा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल MMLG पे आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। और आपको पता है कि अपने चैनल के ऊपर हमेशा कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम से नॉलेजेबल वीडियो ही शूट की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है, किसी व्यूवर के कॉमेंट लगाओ या अपने जो चैनल का सदस्य है MP से कोई भाई, उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप किया कि आप मेले के लॉस और प्रॉफिट पे वीडियो डालें। तो अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क रह गया, थोड़ा सा समझने में फ़र्क रह गया। तो मेले का मतलब मैंने सोचा कि एग्जीबिशन के बारे में ये बोल रहा है, पशु प्रदर्शनी के बारे में, लॉस प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है, जबकि उनका औचित्य था कि भैंस ब्याने के बाद जो मैला चलती है, जो गंध फेंकती है, सफाई जो यूट्रस की होती है उसके ऊपर वीडियो डालें। तो चलो अब हमारे इसमें से एक और टॉपिक निकला है एग्जीबिशन का, तो इसका भी खास महत्व है, खासकर युवाओं के लिए। आज के जो हरियाणा में जो युवा पशुपालक हैं वो सुंदर भैंस के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं। कुछ लोग हैं जो सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हर किसी का अपना नाम चमकाने का रहता है। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड लिव ओनली फॉर नेम एंड फेम, हर कोई नाम और प्रसिद्धि चाहता है। कोई वो ठीक काम करके चमकाता है तो कोई वो गलत काम करके चमकाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बूस्टिंग से बहुत सारे लोग हाईलाइट हो गए, एक झूठी वाई वाई कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए 35 किलो दूध, 34 किलो दूध, 38 किलो दूध, ऑल आर गेम ऑफ बूस्टिंग, दैट इज द रॉन्ग वे, वो गलत रास्ता था एक नाम चमकाने का। और अभी सबके सामने वो BFA से वो सारा क्लियर हो गया, ये एक अलग टॉपिक है चलो। बट जो आज हम एग्जीबिशन की जो बात करते हैं, पशु प्रदर्शनी की जो बात करते हैं, ये एक अच्छा टॉपिक बीच में से निकल के आया है। तो एग्जीबिशन के अंदर क्या रहता है, बहुत सुंदर एनिमल उसके अंदर टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। जो भी युवा पशुपालक जाते हैं, अच्छे अपने पशु को जो अच्छी केयर करते हैं, बहुत सारों को देखो फर्स्ट में किसी को भी नॉलेज नहीं होती, नॉलेज के लिए बहुत समय स्पेंड करना पड़ता है और बहुत टाइम, आधी उम्र भी निकल जाती है, तब भी लोगों को पॉइंट समझ नहीं आते। तो जब छोटे युवा पशुपालक अपने पशु के ऊपर वो बहुत सारी केयर करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट न देखे न वो बॉडी का ठीक है, उनके हाथ में होता है, मोटा तो कर देते हैं पशु को, उसकी सेहत अच्छी कर देते हैं, बट उसके अंदर जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं, जैसे बुल की यदि हम बात करें एग्जीबिशन के अंदर, तो उसके अकेले 50 नंबर टेस्टिकल के होते हैं, बाकी बॉडी के टोटल 50 नंबर, अकेले टेस्टिकल के 50 नंबर होते हैं। फर्स्ट रिंग जो होता है उसमें सपोज किया 100 बुल ने हिस्सा लिया, तो 100 बुल में से 50 से 60 बुल तो फर्स्ट रिंग में टेस्टिकल से निकाल दिए जाते हैं। उनका कितना ही सींग सुंदर है, कितनी अच्छी उनकी बॉडी है, लेकिन वो टेस्टिकल में फैल है तो रिजेक्ट, फर्स्ट राउंड में टेस्टिकल वाले निकल जाते हैं। उसके बाद जो अच्छे टेस्टिकल वाले बचते हैं उनका कंपैरिजन टेस्टिकल टू टेस्टिकल भी किया जाता है, और बॉडी के बाकी फीचर, उसका पुट्ठा कितना डाढ़ू है, लेंथ कितनी है, उसके लेग कैसे हैं, सीधे हैं या टेढ़े हैं, गर्दन कितनी है, कान कितना छोटा है, कान कितना बड़ा है, मत्था कितना छोटा है, कितना बड़ा है, आँखों में कितनी शाइनिंग है, आँख किस एंगल से हैं, मुंह का फेस लंबा छोटा है कितना है, तो हर पॉइंट की ब्रिकी उनमें देखी जाती है। तो जब किसी फार्मर ने अच्छा कोई बुल तैयार किया या फीमेल ईफर तैयार की, ईफर के रिंकल देखे जाते हैं, उसका चेस्ट का साइज देखा जाता है, उसके अंदर भूसा कितना भरा जा सकता है, तो ये जो टोटल पॉइंट होते हैं, ड्यू जो अगली टांग के बीच में जो भैंस का जिसके ऊपर हर्ट होता है, उसमें एक जो त्वचा सी लटकती है उसकी, कुछ की वो छाती जो बोलते हैं बहुत भारी हो जाती है, तो वो ब्यूटी का पॉइंट है। इसी तरह सेम ईफर में होता है, बफेलो के 50 नंबर अकेले अडर के होते हैं, बाकी बॉडी बाद में काउंट होती है। तो ये मोटे मोटे जो मैं आपको फीचर बता रहा हूँ, बाकी जब क्रिटिकली बात लास्ट एंड फाइनल में आती है तो वहाँ पे एक एक बारीकी देखी जाती है। जो टीट होते हैं भैंस के, वो बिल्कुल जो या तो स्ट्रेट सीधा टीट हो, उसके अंदर कोई फुलावट ना हो, बिल्कुल साइज डिटो हो, और या तो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे हो या थोड़ा आगे हो, ऐसे यदि टीट ऐसे चला गया तो आपकी बफेलो रिजेक्ट, ऐसे चला गया तो रिजेक्ट।
तो ये पॉइंट ब्यूटी के बहस के अंदर काउंट किए जाते हैं, और बुल के अंदर मैंने बताया टेस्टिकल। तो इस तरह बहुत सारे, तो यहाँ फार्मर जो युवा फार्मर होते हैं उनको क्या होता है, उसने अपने के भैंस को या बुल को तैयार कर लिया, तो जब वो पार्टिसिपेट करता है तो उसके अपने बुल से अपने बफेलो का दूसरी बफेलो से जो कंपेरिजन करता है और उसको पॉइंट आउट करता है, बहुत सारी 100 भैंसे वो देखेगा तो उसको पता चल जाता है, खुद ही वो डिसीजन ले लेता है कि मेरी भैंस किस नंबर पे है। तो इन चीजों की नॉलेज आपको कहाँ होती है, पार्टिसिपेट करने से। आपकी बफेलो के कान कैसे हैं, दूसरे के कैसे हैं, सींग कैसा है। मोटा मोटी आम फार्मर तो सींग देख लेता है, सींग छोटा है, बॉडी अच्छी है, दैट्स ऑल। लेकिन इसके बाद बहुत सारे बारीक पॉइंट होते हैं, उसकी भैंस की लत्ता कैसी हैं, बारीक जो लत की भैंस होती है वो बेटर होती है, उसकी चाल वो पाँव घिसरा के टेकती है या वो पूरे जो अपने स्टेप उठा के चलती है। तो ये ऑल पॉइंट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के पॉइंट है। तो एक नए फार्मर को वहां से यही चीजें सीखने को मिलती हैं। ये कहाँ मिलेंगी, एग्जीबिशन के अंदर, क्योंकि आप अकेली अपनी भैंस को निहारते रहोगे तो कंपेरिजन जब लग नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। सेम यही करेक्टर बुल में, आपके बुल को आप दूसरे के साथ कंपेरिजन करोगे, उसके टेस्टिकल घुमावदार हैं या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पीछे की साइड में है, तो आपको पता चल जाए। बहुत सारे लोग मेरे पास फोटो भेज देते हैं, क्या ये एग्जीबिशन में हिस्सा ले सकता है, छोटे 8 महीने कटड़ा कौन बताएगा भाई, वो आपने मैंने पॉइंट बताए रखे हैं। कुछ लोग फोटो लेते समय भी चीटिंग कर देते हैं, वो बड़ा की फोटो ले लेते हैं। तो ये चीजें आपको शिवाय एग्जीबिशन में कई बार पार्टिसिपेट करने से जाके ये समझ में आएंगी, एक दिन में वहां पे भी नहीं आती। तो ये तो जब समझ में आएंगी, जब मेला जो होता है, जो एग्जीबिशन होता है, वो फेयर होता है, निष्पक्ष होता है। ये तो था इसका बेनिफिट, एक फार्मर को बहुत सारी नॉलेज होती है एग्जीबिशन में जाने से। अब इसका हम उल्टा पहलू लेते हैं, इसके गलत परिणाम क्या हैं। आज के दिन यदि हम एग्जीबिशन की बात करें तो सारा ऑलरेडी जो फर्स्ट या सेकंड लेवल की जो बात करते हैं वो प्लान गेम होता है, सब पहले से फिक्स हो जाता है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि इनसे दूर ही भलाई है, क्योंकि जिस आदमी को एक क्रिटिकल खास छोटे से छोटे पॉइंट की बहुत सारी नॉलेज है और वो अपने जानवर को लेके जाता है, और उसके फर्स्ट नंबर पे जब उसका पशु होता है और वो सेटिंग की वजह से थर्ड फोर्थ कंसोलेशन प्राइज उसको यदि मिलता है तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, और हर्ट होने की कोई सीमा नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकली है। जो जज कभी हमारे से पॉइंट पूछते थे जजिंग से पहले या रिहर्सल करते थे, उसके बारे में हमसे नॉलेज लेते थे, फिर वो उल्टा चोर कोतवाल को, फिर वो हमारे साथ जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो हमारे से नजर नहीं मिला पाते, क्यों, क्योंकि वो बिक जाते हैं। तो उस उनसे मुझे खास शिकायत होती है, ऐसे जो रिटायर्ड पंच जो होता है, पंच परमेश्वर होता है, जज जज होता है, भगवान का रूप होता है, और तब वो चंद पैसों के लिए जब 70-75 साल उम्र, वो मोस्टली अबाउ 60 होते हैं, रिटायर्ड होते हैं उनमें से बहुत सारे, उस उम्र में भी उनकी बोली लगती है, सब कुछ तय किया जाता है, अगर आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपने ये जजिंग करनी है। जब कोई फार्मर, एक एक्सपर्ट फार्मर उनसे क्वेश्चन करता है तो उनके सिवाय भागने का, वो भाग जाते हैं चोर की तरह, जैसे चोर पुलिस के आगे भागता है इस तरह भागते हैं, तो उसका वो जवाब नहीं दे सकते, उसके पास सेटिस्फेक्शन कोई, वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं लास्ट एंड फाइनल, आप कमेटी में एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन क्या होती है, नथिंग। वो कहते हैं मार के बाद क्या पुकार, जब एग्जीबिशन हो लिया, सब कुछ फाइनल हो लिया, तो कमेटी, कमेटी ही तो चोरों की है, और उन चोरों ने उनको यूज किया जजों को, क्यों, कमेटी खुद भी कर लेती, नो, हर काम कोई ना कोई काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए कोई ना कोई ड्रामा करना पड़ता है, गेम करना पड़ता है। तो लोग क्या सोचते हैं, इसी उम्मीद से आते हैं कि जो जज होते हैं ये निष्पक्ष चुनाव करते हैं, लेकिन नहीं, वो जज बिके हुए होते हैं, वो ऑलरेडी बिक जाते हैं पहले से ही। मेरे पास भी एक बार जजिंग का ऑफर आया था, लेकिन वहां पे कंडीशन थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम जज बनाएंगे लेकिन प्राइज उसी को आप फर्स्ट प्राइज या विनर उसी घोषित करोगे जो हम चाहेंगे। मैंने कहा मुझे ऐसी जजिंग की कोई लालसा नहीं है, गॉड को जान देने, हम अपने घर पे अपनी जगह पे जज ही हैं,
हम किसी भी आदमी को चैलेंज कर सकते हैं एक सही पॉइंट के ऊपर, और उसके पास कोई तोड़ नहीं होता उस आदमी के पास, सिवाय हमारे से भागने के। तो मैंने कतई मना कर दिया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं कभी भी ऐसे जो बिकाऊ फैसले नहीं करता। तो वो लोग ऐसा करते हैं, उनको आत्म ग्लानी नहीं आती, पता नहीं वो कैसे सो पाते हैं, कैसे जिंदा रह पाते हैं। एक जीती जाती मैं बोलूंगा वो ऐसे जज, नालायक जज, वो क्या है, जीती जागती लाश है। क्यों ऐसे शब्द में तीखे यूज कर रहे हो? क्योंकि एक 20-22 साल का फार्मर इतनी मेहनत के साथ, सपोज किया उसका एनिमल एक नंबर पे है, और एक वेल सेटल्ड ओल्ड जो अपने आप को ब्रीडर कहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके चेहरों की पहचान होती है, और उन चेहरों का फायदा उठा के ने, उनको पैसे दे के ने, वो सेटिंग करके ने, अपने गए गुजरे एनिमल को जिसके अंदर कोई फीचर ही नहीं है उसको फर्स्ट नंबर पे ले आते हैं। तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो युवा चेहरा होता है उसको ये प्रॉब्लम होती है डिसाइड करने में, इसका पशु बढ़िया था मेरा बढ़िया था। अब उसको देखने में तो खुद का बढ़िया लग रहा है भी उसका बढ़िया, लेकिन नंबर एक पे वो आ गया, तो वो बेचारा फर्स्ट क्लास के अंदर ही कंफ्यूज हो जाएगा। अगर एग्जीबिशन है क्या, मैंने बहस तो अच्छी तैयार की थी, पॉइंट भी अच्छे थे, लेकिन बहस तो वो फर्स्ट आ गई। तो वो सबसे बड़ी बात है एक फार्मर को कंफ्यूज करना। इसीलिए मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा जंगली गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरह का अभियोग करते हैं। वो बेचारा पूरी लाइफ के लिए कंफ्यूज हो गया, वो कंफ्यूज कर दिया एक स्टूडेंट को। स्टूडेंट ही है वो जो फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन में गया है, और उसकी बहस यदि फर्स्ट है तो फर्स्ट ही होनी चाहिए, और उसको फिर आगे से 10 बंदे और देखेंगे उस एनिमल को, वो भी ऐसा ही पशु तैयार करेंगे। लेकिन वहां तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर न्यू पर्सन, ओल्ड को तो पता होता है, जितने भी ओल्ड उन सबको पता होता है कि हाँ कौन सा एनिमल फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उनको रिंग में एंट्री करते ही पता चल जाता है। लेकिन फिर भी वो अड़े रहते हैं और बड़ी वो बेउद्दी हंसी हंसते हैं वो लोग, उनको पता होता है कि हमारे वाला पशु फर्स्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अगले को खरीद रखे है, 1-2 लाख रुपए दे के ने उस कमेटी को या जजों को खरीद रखे है, और वो हमारे पक्ष में फैसला करेंगे और मस्ती में रहते हैं। और एक बेचारा का जिसका एक नंबर पे एनिमल है, जिसका धक धक दिमाग करने लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, और उसके साथ जो डर था वही होता है, उसका पशु या तो बाहर निकाल दिया जाता है या 4th-5th कंसोलेशन प्राइज पे दिया जाता है उसको, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है। तो इस एग्जीबिशन का सबसे बड़ा लॉस यही है। उनमें से यदि मेरे YouTube चैनल पे उन रिटायर्ड जजों में से कोई यदि सुन रहे हैं तो उनको थोड़ी आत्मग्लानी आनी चाहिए, इतनी लाइफ उन्होंने स्पेंड कर दी, गॉड के घर जाने वाले हैं, और उसके बावजूद यदि इस तरह की अच्छी हरकत करते हैं। वो कहते हैं ना पंच परमेश्वर होते हैं, वो परमेश्वर इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने पराये नहीं देखते, जो फैसला होता है वो निष्पक्ष करते हैं। इतने रिटायर्ड होने के बाद में ऐसे जजों को चोर की तरह बाजने की जरूरत नहीं होती एग्जीबिशन में, मेले में से वो डट के उनको किसान को पॉइंट टू पॉइंट समझाना चाहिए, ताकि उस किसान को बेनिफिट मिले और अपनी कमजोरी का पता चले, मेरे एनिमल में ये कमजोरी है। लेकिन उनके पास ऐसा मादा हो तब ना, वो तो बेचारे बिकाऊ हैं, बिके हुए हैं, वो समझे उनको पता है हाँ ये पशु तो इसका एक नंबर पे है, कमी निकाल नहीं सकते। तो उन जजों के प्रति फिर जो फार्मर होता है उसके लिए कोई शब्द नहीं होते सिवाय उन जजों के गाड़ी पकड़ने के। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था एग्जीबिशन के क्या लॉस और क्या प्रॉफिट, इसके ये लॉस हैं। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना, आपके कमेंट के हिसाब से हम अगली वीडियो फिर लेके आएंगे। धन्यवाद।